हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी। आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। बियर्डो ने रिसेंटली 3 परफ्यूम्स लॉन्च किया है। एक है मेरीना जो समर के लिए बढ़िया होगा, एक है आपका व्हिस्की स्मोक बर्बन जो विंटर के लिए बनाया गया है, और एक है माफिया जो स्पेशल ओकेशन के लिए अच्छा होगा। तो बात करेंगे इन तीनों परफ्यूम्स के बारे में। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और एक सरप्राइज भी है आखिर में, तो वीडियो को ज़रूर देखिएगा आखिर तक। बात करते हैं दोस्तों पहले मेरीना के बारे में। इसके प्रेजेंटेशन के बारे में पहले बात करूंगा। आपको प्रेजेंटेशन वाला सेक्शन बोरिंग लगता है तो आप स्किप कर सकते हैं। चैप्टर्स में मुझे 8 मिनट का वीडियो बनाना पड़ेगा, नहीं तो एड रिवेन्यू कम मिलेगा और पैसा कम मिलेगा तो परफ्यूम भी नहीं खरीद पाऊंगा और आपको ऑनेस्ट रिव्यू भी नहीं दे पाऊंगा। तो ये है इसका 50 ml का बॉर्डर, और जो परफॉर्म कॉन्सेंट्रेशन है इसका ब्लैक और एक्वाटिक कलर में ही आता है, काफ़ी मैच करता है इसका कलर इसका सेंट प्रोफाइल से। और इसका जो बॉक्स है वो भी आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे इसका बियर्डो मेरीना ओ दे परफा 50 ml, और इसका जो साइड है वहाँ पे आपको जो MRP है वो आपको मिल जाएगा काफ़ी सारे और डिटेल्स के साथ। बात करें दोस्तों इसके सेंट प्रोफाइल के बारे में, बिल्कुल ही ग्रीन हर्बल हल्का सा फ्लोरल के साथ स्वीटनेस के साथ एक एक्वाटिक फ्लेवर आपको मिलेगा इस परफ्यूम में। इसके नोट्स के बारे में अगर हम बात करें, ओपनिंग के जो नोट्स है वो बिल्कुल ही आपको ब्लैक टी जो होता है, लाल चाय जो होता है, उसका आपको याद दिलाएगा ओपनिंग के जो नोट्स है वो। इसके बाद आपको एक फ्लोरल टच मिलेगा, जैस्मिन या फिर व्हाइट फ्लोरल का जो नोट होता है वो आपको मिलेगा, और जो ड्राई डाउन है वहाँ पर जाके आपको एक सॉल्टी जो सी वाटर का नोट होता है वो आपको मिलेगा इस परफ्यूम में। और ये वाला जो परफ्यूम है दोस्तों ये काफ़ी एक पॉपुलर परफ्यूम डेविड ऑफ कूल वाटर 83 जो है इसका ऑल्टरनेटिव या फिर क्लोन बोल सकते हैं। काफ़ी सारे क्लोन्स अवेलेबल है मार्केट में, लेकिन आपको बिल्कुल ही चीप बजट में एक परफ्यूम चाहिए तो ये आप परचेज कर सकते हैं। इसके वर्सेटैलिटी की अगर हम बात करें, यानी कब इसको पहनना चाहिए, तो समर के लिए एक अच्छा ऑप्शन है, एक एनर्जाइजिंग रिफ्रेशिंग टाइप ऑफ परफ्यूम है, जो जिम में पहन सकते हैं, ऑफिस में पहन सकते हैं, कैजुअल वेयर में पहन सकते हैं, डे टाइम में वेयर कीजिएगा ये परफ्यूम, काफ़ी अच्छा लगेगा आपको। और इसके परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो अराउंड 1 से 1.5 घंटे का आपको प्रोजेक्शन मिलेगा, 2-3 फीट का प्रोजेक्शन मिलेगा आपको। हैवी स्प्रे कीजिएगा 5-6 स्प्रे एटलीस्ट, और दोस्तों इसका जो लॉन्जिविटी है वो कपड़ों पे अराउंड 4-5 आवर्स का आपको मिल जाएगा। और मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि ये जो बजट परफ्यूम्स होते हैं ये साथ में रखिएगा, तो जब भी आपको लगे कि ये परफॉर्म नहीं कर रहे आप रीअप्लाई कीजिएगा। बात करते हैं दोस्तों हमारे अगले परफ्यूम के बारे में, जिसका नाम है बियर्डो व्हिस्की स्मोक बर्बन। ये जो ओरिजिनल परफ्यूम है व्हिस्की स्मोक, इसका एक फ्लैंकर है, लेकिन ये दोनों आपस में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट स्मेल करते हैं। ये वहाँ स्पाइसी टोबैको बेस्ड एक परफ्यूम है, और ये एक लेदर बेस्ड परफ्यूम है जहाँ पे आपको हल्का सा एक इंसेंसी जो टच है वो आपको मिलेगा। इसके प्रेजेंटेशन की अगर हम बात करें दोस्तों, तो बियर्डो मेरीना जो है इससे कंपेयर करें तो आपको दिखेगा कि भाई इसका जो प्रेजेंटेशन है वो थोड़ा एक लेवल ऊपर है। यहाँ पे अलग से जो स्टिकर है वो बैठाया गया है, यहाँ पे डायरेक्टली नाम जो है वो बोतल पे लिखा गया है, तो ऑब्वियसली देयर इज़ ए डिफरेंस। ये भी 50 ml का है बियर्डो व्हिस्की स्मोक बर्बन, और इसका जो पैकेट है वो भी आप देख सकते हैं, काफ़ी काम किया गया है पैकेट में। ये अलग से डिज़ाइन जो है वो आपको मिलता है, ये भी 50 ml का आता है, और यहाँ पे आपको जो प्राइस है MRP है वो आपको मिल जाएगा। बात करें दोस्तों इसके सेंट प्रोफाइल के बारे में, तो ये एक लेदरी इंसेंसी टाइप ऑफ परफ्यूम है। ये आपको जो हवान का एक स्मोकी फ्लेवर होता है, एक स्मेल होता है, वैसा एक नोड आपको याद दिलाएगा। इसके बाद जो मंदिर में आप जाते हैं लोबान का एक खुशबू मिलता है, उस तरह का आपको एक नोड मिलेगा, और साथ में एक आरती जो फ्लेवर होता है पचोली का वो आपको मिलेगा इस परफ्यूम में। इसके नोट्स की अगर हम बात करें दोस्तों, तो एक लीनियर परफ्यूम है, ज़्यादातर आपको जो एक लेदर एक मस्क की जो एनिमलिक लेदर का नोट होता है वो आपको इस परफ्यूम में मिलेगा, साथ में एक व्हाइट फ्लोरल जैस्मिन का जो नोट होता है वो हल्का मिलेगा आपको, और एक वार्म एम्बरी एक हल्का सा वेनिला का जो टच है वो भी आपको इस परफ्यूम में मिलेगा। तो ये जो परफ्यूम है दोस्तों ये एक नीज परफ्यूम टॉम फोर्ड ओम्ब्रे लेदर या फिर टस्कन लेदर, इन परफ्यूम्स के जैसा ये सिमिलर स्मेल करता है। एज एन ऑल्टरनेटिव आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका जो ड्राई डाउन है दोस्तों, ये दोनों ही परफ्यूम्स टॉम फोर्ड टस्कन लेदर या फिर जो ओम्ब्रे लेदर है या फिर रसासी का लाओ इक्याम है, इनसे काफ़ी सिमिलर है, लेकिन जो लाओ इक्याम या फिर जो टॉम फोर्ड
टस्कन लेदर है, इसमें आपको एक ओपनिंग में स्ट्रॉबेरी का नोट मिलता है, वो इस परफ्यूम में आपको नहीं मिलेगा। तो मैं कहूँगा ये ज़्यादा क्लोज है विथ ओम्ब्रे लेदर। इसके वर्सेटाइलिटी की अगर हम बात करें दोस्तों, तो ये एक लव और हेट टाइप ऑफ परफ्यूम मैं बोलूँगा, क्योंकि कुछ लोगों को ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा, कुछ लोगों को ये इतना ज़्यादा खास नहीं लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा। और ये थोड़े मैच्योर ऑडियंस जो होते हैं, थोड़े मैच्योर लोग जो होते हैं, 25 प्लस के लोगों को ये सूट करेगा। मैं रिकमेंड करूँगा उन लोगों को जो कॉलेज स्टूडेंट्स है, उनको इतना ज़्यादा ये रिकमेंड नहीं करूँगा, फिर भी आप ट्राई कर सकते हैं विंटर के लिए। और दोस्तों ये समर में आप इस्तेमाल मत कीजिएगा, डे टाइम में अगर आप एसी में बैठे हो ठीक है आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये विंटर बेस्ड परफ्यूम है। इसके परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें दोस्तों, तो आपको जो फ्रेश परफ्यूम्स है जैसे मेरीना है, इससे ज़्यादा परफॉर्मेंस आपको यहाँ पे मिलेगा। इसका जो प्रोजेक्शन है वो 1.5 घंटे तक आपको मिल जाएगा हैवी स्प्रे करेंगे तो, और जो लॉन्जिविटी है 5 to 6 hours आपको मिल जाएगा। बात करते हैं आखिरी परफ्यूम के बारे में, माफिया जो प्रेजेंटेशन है वो बिल्कुल ही रेड रेड हार्ट वाला, वैलेंटाइन वाला, रेड रोज वाला जो कलर है वो आपको यहाँ पे मिलेगा, जो कि आपको क्लियरली बताता है कि ये जो डेट है या फिर स्पेशल ओकेशन है इसके लिए ये परफ्यूम बनाया गया है। तो ये है इसका प्रेजेंटेशन, 50 ml ओदे परफा कॉन्सेंट्रेशन में आता है बॉटल। एक बार जो स्प्रेयर से इनके वो भी दिखा देता हूँ आपको, ब्लैक कलर स्प्रेयर मिल जाते हैं और जो बॉक्स है वो सिंपल ब्लैक एंड रेड टेक्सचर में आपको मिल जाएगा, माफिया ऑफ द परफॉर्म 50 ml। और ये है इसका प्राइस। इसके सन प्रोफाइल की अगर हम बात करें दोस्तों, तो ये फ्रूटी वेनिला क्रीमी एक स्वीट टाइप ऑफ परफ्यूम है, हल्का सा एक ब्लू नोट भी आपको यहाँ पे मिलेगा। नोट्स की अगर हम बात करें दोस्तों, ओपनिंग में एक जूसी ग्रीन एप्पल का जो नोट होता है वो आपको मिलता है, मिड में हल्का सा एक फ्लोरल टच मिलता है, और जो ड्राई डाउन है वहाँ पे आपको वेनिला, इसके बाद हल्का सा एक ब्लू एम्ब्रोक्सन का जो नोट होता है वो आपको मिलता है इस परफ्यूम में। ये जो परफ्यूम है दोस्तों, ये मुझे एक नहीं दो पॉपुलर परफ्यूम्स का याद दिलाता है। इसका जो ओपनिंग है, जो एक एप्पल वाला ओपनिंग है, वो मुझे इव सेंट लॉरेंट का YETP जो परफ्यूम है इसका याद दिलाता है, और जो ड्राई डाउन है एक वेनिला वाला क्रीमी ड्राई डाउन, ये मुझे वर्सेस एरोस ओ दे परफा का याद दिलाता है। इसके वर्सेटाइलिटी की अगर हम बात करें, जैसे मैंने पहले कहा ये स्पेशल ओकेशन जैसे डेट इसके लिए बेहतरीन ऑप्शन है, इवनिंग वेयर के लिए परफेक्ट है, नाइट टाइम में वेयर कर सकते हैं, दिन में उतना रेकमेंड नहीं करूँगा, विंटर में आप पहन सकते हैं इजीली। और दोस्तों इसके परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें, तो आपको सिमिलर जो मेरीन है उसके जैसा आपको परफॉर्मेंस मिल जाएगा, तो 1 to 1.5 घंटे का जो प्रोजेक्शन है वो, और जो लॉन्जिविटी है वो 4 to 5 hours। वो दोस्तों एक ट्रिक मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि इसका जो परफॉर्मेंस है वो आप बढ़ा सकते हैं। आप एक काम कीजिएगा, लेयरिंग कीजिएगा विथ इसकी स्मोक बर्बन, तो इसका जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी बढ़ जाएगा, और दोनों का कॉम्बो जो एक स्मेल है वो काफ़ी बढ़िया लगा है मुझे दोस्तों, तो ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और आखिर में दोस्तों सरप्राइज वाला पार्ट, ये तीनों परफ्यूम्स मैं 3 lucky winners को गिव अवे करने वाला हूँ मान के आखिर में। तो पार्टिसिपेट करने के लिए आपको वीडियो को लाइक करना होगा, और कमेंट में आपका नाम और आप किस जगह से यानी कि किस स्टेट से बिलोंग करते हैं वो कमेंट कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक बार मुलाकात होगा किसी नई वीडियो पर, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।